सर जी थोड़ा पीछे हो सरदार साहब थोड़ा पीछे लोग जो है उन्हें देखने के लिए यहाँ पर आए, परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आप लक्ष्मी जी के जंगल में कई दिन पहले उन्होंने आपको अगवा कर लिया, बस आपको पता लगा कि आपको लक्ष्मी जी के बारे में अंकल एक मिनट लेने को चलो पीछे आप मिले पापा से, ऐसा लग रहा आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पापा मेरे वापस आ गए। आपने पापा से क्या मांगा था? पापा खुशी का संकेत था। आपने प्रे किया था आपके पापा घर पहुँचाए सही सुरक्षित, और आज पापा आपके पास पहुंच चुके हैं, आप प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कैसे करेंगे? उन्होंने मेरे पापा को जल्द से जल्द वापस घर लौटाया। घर पहुंच चुके हैं पापा आपके। इनके मेडिटर्स आए हैं, छह बंदों की टीम आई है मेडिटर्स की, 10 बंदों की टीम थी उसमें से 6 आए। तो आपको ऐसा आज कैसा महसूस हो रहा है कि काफी लंबे अरसे से आप इंतजार कर रहे हैं तो क्या आएंगे? क्या कहना चाहेंगे आज घर के अंदर किस तरह से भव्य स्वागत किया जाएगा? हम लोगों ने वहाँ जो राकेश जी को जो वहाँ 8 तारीख को 5 बजे जो मुक्त कराया था, तो उस समय में हमारे मन अपार हर्ष था, और आज यहाँ जो आप लोगों ने यहाँ की जनता ने और यहाँ के आप सब लोगों ने उनका जो स्वागत किया है, तो मेरे को ये कहने की इच्छा हो रही है कि आज हमारे मन में अपार हर्ष है, और जो कर्तव्य हम लोगों ने हाथ में लिया था वो उनके घर पहुंचा करके, उनके नगर में पहुंचा करके, उनके घर में पहुंचा करके, हमको लग रहा है कि हम कृतकार्य हो गए।
ये काम कठिन तो जरूर था, लेकिन सब तरह की सद्भावना का जो वातावरण बना एक वहाँ पर, और जो पत्रकार भाई आए हैं उन्होंने जो बहुत अच्छा वातावरण बनाया, और उन्होंने जो कहा था कि हम डेलीगेशन को ही सौंपेंगे, उन्होंने डेलीगेशन को सौंपा, उनका भी एक तरह से ये व्यवहार अनुचित व्यवहार। और हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो राकेश जी का जो स्वागत किया है वो सचमुच मानवता को गर्व देने लगा, आप सब लोगों की बहुत धन्यवाद। आप सबकी ये दुआएं जो मैं आज यहाँ पे सर, पूरा देश ये मांग कर रहा था कि राकेश्वर सिंह मनास की जल्द घर वापसी हो, तो आज आप घर वापसी आए, क्या कहना चाहेंगे पूरे देश की जनता को, क्या कहना चाहेंगे? सबका शुक्रिया, सब मीडिया का भी, सब जो मेरे साथ थे सब। कहीं ना कहीं जब आपको लेके चले गए थे, कहीं ना कहीं आपके घर वाले इतने परेशान थे, क्या दिलासा दिया घर वालों को आपने कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा? देखो, उस समय मेरी कोई बात नहीं थी, मेरे 8 तारीख के बाद ही घर में बात हुई, उससे पहले कोई बात नहीं। आपकी बच्ची की बात करें, वो प्रधानमंत्री से अपील करते रहे कि मेरे पापा को जल्दी घर भेज दो। आपकी भाई मीनू की बात करें, उन्होंने प्रधानमंत्री और वहाँ की सरकार से निवेदन किया था कि मेरे पति को जितनी जल्दी हो छुटका लें, तो आज आप घर पे आए, तो क्या कहना चाहते हैं अपने पति और परिवार को लेकर, पत्नी और परिवार को लेकर? मैं सबका मतलब कि धन्यवाद ही कहूँगा, अपनी सरकार का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मतलब कि यहाँ तक देश की जनता को क्या मैसेज देते हैं? देश की जनता को मेरा सबसे पहले तो सबको थैंक यू है सर, धन्यवाद। सर सरकार को किस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं आप? धन्यवाद सर, उन्होंने जो हमारा हेल्प किया, डेलीगेशन टीम भेजा सर, सबके लिए सर धन्यवाद सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मंडल केशवर सिंह जिंदाबाद, मंडल केशवर सिंह जिंदाबाद, भारत माता की जय। सर कितने खुश हैं आज अपने परिवार के साथ, आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। किनका शुक्रिया करेंगे आज आप अपने परिवार के साथ हैं? सर दे दो उनको, दे दो उनको, सब बोलेंगे, बोलेंगे, मैं फिर बात करूंगा। इस समय मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं सब मीडिया अपने सरकार इसमें एड्रेस करो, छत्तीसगढ़ सरकार का और जो मध्यराष्ट्र और वहाँ के जो मीडिया था सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मतलब कि उनकी वजह से मैं अपने घर वालों से मिल पाऊँ। अच्छा, इनके बिहाफ में हेलो बोला, ठीक है, आप खड़े रहिए। अच्छा मैं एक मिनट रुको, यार इस 7 प्लस प्लीज थोड़ा सा नीचे करो। केशवर सिंह ये क्यों नहीं आवाज आए भाई, आवाज तो बधेर ही है, तुम्हें माइक के पैरों के थले। अच्छा जी, कहो ना, बोलो बोलो बोलो, मैं माइक फेस को रख, माइक लेने दो, माइक लेने दो, माइक लेने। अच्छा मैं केशवर का चाचा, ठीक है, मैं इनके बिहाफ में सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो जम्मू जे एंड के की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ के सीएम का भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ का जो एक्स सीएम था रमन जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी एक बयान दिया था कि वो जो हमारा कमांडो नक्सलियों के कब्जे में आ रखा है वो सकुशल वापस आना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनल बात है, युद्ध के समय भी कोई बंदी बन जाता है तो उसको भी सकुशल वो भी छोड़ देते हैं और उसकी लाने की जिम्मेवारी भी रहती है। दूसरा जो हमारे जे एंड के सरकार के एलजी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी बोला कि हम उस ऑर्केस्ट्रा कमांडर को छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो इसका डिपार्टमेंट है ना, जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है उनके भी लगातार एफर्ट्स रहे इनको मतलब छुड़ाने के लिए, जो इसमें बीच में मीडिएटर थे है ना, श्री धर्मपाल पदम श्री या दूसरे बरिया हैं, एक जो समाज सेविक तीन है, उनमें पत्रकारों का जो उसमें 3-7 पत्रकार डिटेल हुए थे इनको लाने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जो जहाँ का लोकल मीडिया है, ठीक है, मैं
भी फकर फकर से कहता हूँ कि उनका भी बहुत योगदान रहा इनको छुड़ाने के लिए। और साथ साथ जो नेशनल न्यूज़ चैनल था या नेशनल मीडिया था उनका भी, खासकर जो वहाँ का मीडिया था, आप किसी ने सुने या नहीं सुने, मैं इस इवेंट्स के साथ डे वन से टच था, क्योंकि मेरा ये भतीजा नहीं, मैं इसका फादर ही हूँ, क्योंकि इसका फादर ऑलरेडी सीआरपी में सर्विस करते हुए एक्सपायर हो चुके थे। तो उसी दिन से मैं इनको एज ए बेटा, ये मेरे को एज ए गार्डियन, मैं साथ रहा हूँ इनके साथ। और जिस दिन से ये दुर्घटना घटी थी, मैं लगातार टच था, तो मेरे को भी एक एक मिनट में समाचार मिलता था अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसके साथ साथ है ना, गवर्नमेंट का जो कहीं किसी भी गवर्नमेंट का जो रोल था, वो मतलब जो हमारी नाजिल में तो नहीं आ सकता था, लेकिन इनके लगातार एफर्ट्स रहा, ठीक है। बाकी थैंक यू।